घुगुस शहरातील पाण्याची भीषण टंचाई असून उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना वणवण भटकंती करावी लागते. उष्णता गर्मी इतकी भयावह असते की कूलर शिवाय पर्याय नसतो. आता पिण्यासाठीच पाणी नसताना कूलरमध्ये पाणी टाकायचे कुठून? नागरिकांची ही समस्या लक्षात घेता राजू रेड्डी नावाचा माणसातला देवदूत हा गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी आपले अनेक वॉटर टँकरद्वारे नागरिकांना मोफत पाणी देत असतो. एक माणूस आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडत असताना नगर परिषद जलसंरक्षणासाठी गंभीर दिसत नाही. शहरात अनेक ठिकाणी जलवाहिन्या लिकेज असून दररोज हजारो लिटर पाणी हे वाया जात असते. तसेच अनेक सार्वजनिक नळाला, सोलर पंपाच्या नळाला व पाणी टंकीच्या नळाला तोटे नसल्याने दररोज पाण्याची बर्बादी होत आहे. नमस्कार, मी राजू रेड्डी. जल ही जीवन है, जल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. औद्योगिक शहर घुग्गुस जो तीनों तरफ से वर्धा नदी बहता है, लेकिन हमारे घुग्गुस में दुबकाले में एक बाल्टी पानी के लिए रात दिन इंतजार करना पड़ता है. इन दिनों में घुग्गुस में जो सरकारी नल है वो सरकारी नलों को टोटी नहीं रहने के कारण जगह जगह पे पानी बहते जा रहा और इस दुर्लक्ष में नगर परिषद प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है. अपने देखा पिछली बार नगर परिषद में पानी देने के लिए जगह नहीं था. अपन औद्योगिक कंपनियों के साथ में दो दो टैंकर दिला के घर घर पहुंचाने का कोशिश किए थे. माताओं बहनों की आंखों में जब पानी देखा जा रहा था, हमने भी सामाजिक संस्था के द्वारा हमने भी 4-5 टैंकर लगा के पानी दे रहे थे, लेकिन फिर से वही दुबकाला अभी आ रहा है. लेकिन मैं कई जगहों से और कई जगह से कंप्लेंट आ रहा है कि बिना टोटी का सरकार नल से पूरा पानी बहाया जा रहा है. अब जल ही जीवन कैसा होगा, क्योंकि दुबकाले में अगर आदमी को इंसान को पानी नहीं मिलेगा तो जानवर को कहां से मिलेगा. नदी के पानी पूरे अपन उठाते हैं, उसको स्वच्छ करते हैं और घुग्गुस के अंदर में घर घर पानी पहुंचाने का कोशिश करते हैं. आज भी घुग्गुस के अंदर में पानी घर घर नहीं पहुंचता, टैंकर के द्वारा पहुंचा जा सकता है, लेकिन कई जगह में पानी हजारों लीटर बहाया जा रहा है जिनको टोटियां नहीं है. तो मैं नगर परिषद के प्रशासन को विनंती करता हूं कि जल्दी से जल्दी दुबका लेके आते हुए गर्मी बढ़ रहा है, कूलर चालू होने वाला है और पानी का जो पेड़ पौधों को देना पड़ता है, जानवरों को देना पड़ता है, पानी का जो भी नल टोटी इसको सही उपयोग करना चाहिए और जहां पर नहीं हो वहां लगाना चाहिए. साथ ही साथ में नगर परिषद के प्रशासन द्वारा जो 6 वार्ड है, 6 वार्ड में समय सीमा तय करना चाहिए, क्योंकि नल कब आता वो घर वालों को मालूम नहीं था, वो टैक्स बांध रहे उसके भरोसे में नगर परिषद चल रही है. इसीलिए 6 वार्ड को एक समय सीमा देना चाहिए, उन समय सीमा के अंदर में उनके घर तक पानी पहुंचाने का कृपा किया, अन्यथा कांग्रेस तरफ से तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा.